दया की थाली, क्षमा की बाती, शांति की ज्योत जलाने। रोम रोम से साई गूंजे, आरती ऐसी गाले, ऐसी आरती और पूजा साई को है भाई। सेवानाम साई, सेवानाम साई, सेवानाम। दिस इज साई पूजा, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। पार्ट वन में आपने सुना कि बाबा से मैं कैसे जुड़ी और बाबा मेरी जिंदगी में वापस कैसे आए और मेरी लाइफ कैसे बदली। पार्ट टू में अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ये सफर शुरू हो रहा है पूजा से साई पूजा बनने का कारवा। कैसे बनी पूजा से साई पूजा, आप पार्ट टू देख रहे हैं और आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये एपिसोड लास्ट एपिसोड है साई पूजा का सफर। तो जैसे कि मैंने पार्ट टू में बताया था कि मेरे जीवन में अप एंड डाउन्स आए, मैंने चौमिन का ठेला लगाया, मैंने परचून की दुकान पे मैं बैठी और वहाँ पर तरह तरह की बातें भी की गई और विशाल जी ने कपड़ों का भी काम किया और विशाल जी ने चाय का ठेला भी लगाया। जो सारी चीज़ें नाकाम हुई उस वक्त मेरे जीवन में बाबा नहीं आए थे। दौर शुरू हो चुका था जब बाबा 2007 में मेरे जीवन में आए, तो इंस्टेंट चमत्कार नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। आपको अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा से बाबा का दिल जीतना होता है। बाबा परम पिता परमेश्वर हमारे साईं, हमारे कृपालु साईं, 2007 में जब बाबा से मैं जुड़ी तो बाबा ने अपनी दाढ़ी को काला किया, जो कि ब्राउन किया, और साइड में ब्लैक किया। तो ये प्रमाण था श्री साईं बाबा का कि वो हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम चिंता व्यर्थ कर रहे हो। और जब बाबा के पास मैं पहली बार गई और किस प्रकार बाबा एक अननोन पर्सन बनकर गाड़ी लेकर हम लोगों को शिरडी पहुंचाया, ये बाबा का एक वचन है जैसे कि मैं हमेशा दोहराती रहती हूँ, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। जी हाँ मेरे दोस्तों, बाबा की समाधि चलती है फिरती है, बातें भी करती है। अब दौर आ चुका था 2013, मेरी माँ को कैंसर हुआ था। कैंसर कहते हैं कि बाबा आपके जीवन में उथल पुथल करते हैं, क्योंकि आप अपने पूर्व जन्म में वो जो कर्म आपने किए हैं उसको तो भोगना ही भोगना है। तो बाबा ने मम्मा को जो कैंसर दिया और या उनके कर्मों के अनुसार जो उनको कैंसर हुआ, वो सीधे हमारे घर पर मेरे ऊपर गाज फट पड़ी थी। कैसे होगा आगे का सफर तय, हम कैसे करेंगे अपने जीवन का जीवन को
आगे बढ़ाएंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे, कैसे मेरे बच्चे खाएंगे, कैसे मेरे बच्चे पिएंगे, कैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। दिन रात मम्मी की सेवा, कैंसर हॉस्पिटल के चक्कर, और डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि मम्मी को हाई ग्रेड कैंसर है, तो बच्चों को मम्मी के अपनी मम्मी से दूर रखिए क्योंकि इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो रिशु उस समय 1.5 साल का था जब मेरे ऊपर ये विपत्ति आई। तो मैं शेडी भी लेके गई मम्मी को, पर मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई थी कि आप किसी के आगे हाथ मत फैलाइएगा, किसी से मत मांगिएगा, मांगिएगा तो अपने भगवान, अपने ईष्ट, अपने परमपिता परमेश्वर से, वही आपका पूरा करेंगे। दिन बीतते जा रहे थे और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही थी। मम्मी का जो ऑफिस से पैसा आता था वो पैसा भी मम्मी के ऊपर लगता जा रहा था, पैसे की भी हानि हो रही थी और मम्मी की तबीयत भी खराब हो रही थी। एक वो वक्त आया 6 मार्च 2013 जब मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। मेरे ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। वो मम्मी, वो बुआ जिन्होंने मुझे पाला पोषा, उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की मुझे पालने की वजह से, कि दूसरा अगर मैं शादी कर लूंगी दूसरा हस्बैंड मेरे भतीजे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान दिया मेरी माँ ने। उनको मैं यही कहूंगी, बाबा वो जहां भी रहें उनकी आत्मा को शांति दें। 2013 6 मार्च को मम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी और बाबा के चरणों में मम्मी की आत्मा चली गई। और फिर वो वक्त आया कि मैं रो रही थी और मेरे सामने चारों तरफ अंधेरा था, आगे जिंदगी नहीं जी दिख रही थी मुझे, मैं क्या करती। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी कि आप कौन हमें रोटी देगा, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी तो मुझे नौकरी मिलने का कोई भी चारा नहीं दिख रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। अगर मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, अगर मेरी शादी नहीं होती तो शायद मुझे नौकरी मिल भी जाती, पर मुझे नौकरी नहीं मिलनी थी। जो पैसा मिला था कट कटा के, वो मम्मी के दवाइयों में जो भी जहां से जो भी जिनका था वो मैंने दे दिया। वो पैसे कितने दिन चलते हैं। फिर जिस दिन मम्मी का 40वां था, जिस दिन मम्मी के 40 डेज हो गए थे, उस दिन मैं बाबा के सामने आके खड़ी हुई, मैंने बाबा से बोला मम्मी नहीं रही और अब जीने का सहारा भी नहीं रहा। बाबा अब तुम्हें ही मुझे संभालना है और तुम्हें मुझे सहारा देना है, अब आज से तुम मेरी मम्मी हो और तुम मेरे पापा भी हो। मुझे तुम भूखा रखोगे भी तो मैं रहूंगी, और तुम मुझे अगर तन ढकने के लिए कपड़े दोगे तो पहनूंगी, भूखा रखोगे तो रहूंगी, मगर किसी से मांगूंगी नहीं। वो दिन और आज का दिन श्री साईं बाबा ने मुझे संभाला है। शायद मेरी मम्मी भी होती तो शायद वो इतना मुझे सपोर्ट नहीं कर पाती जितना बाबा ने मुझे किया। ये शक्ति दिखाई तो नहीं देते, ये जो स्वरूप है जो बाबा हमें दिखाई तो नहीं देते, पर उनकी शक्ति दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी की, होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट किया तो कॉलेज मेरा 25 किलोमीटर दूर, मैं जाती थी और वहाँ से मुझे ट्रेनिंग भी मुझे प्रोवाइड हुई क्लार्क्स में, JBR में। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। बाबा ये नहीं कहते कि तुम स्ट्रगल मत करो और मैं बस सोना चांदी हीरे मोती तुम पे लिटा दूंगा, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने होटल मैनेजमेंट किया, 18-18 घंटे
मैं ट्रेनिंग पीरियड में काम करती थी, सुबह 7 बजे जाती थी, रात में 9-9 बज जाते थे मुझे आते आते। पैरों में छाले पड़ गए थे मेरे, एक एक क्विंटल प्याज छीलती थी और बैठना मना था। होटल मैनेजमेंट में बहुत मेहनत लगती है। मैं ट्रेनिंग की जाके दिल्ली में जेपी ग्रीन से मैंने यहाँ भी काम किया और मुझे भाग्य मेरी मेहनत रंग लाई जब मैं पहली बार दुबई गई और दुबई जाके भी मैंने काम किया, एक शेफ बनी। और मैंने बैंगलोर काम किया, लखनऊ काम किया, दिल्ली काम किया, फिर मैं गई दुबई। मेरा बचपन का एक सपना था, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़के रहते थे इस घर में, जब मेरी शादी के बाद मम्मी को अकेलापन लगने लगा तो यहाँ पर रेंट पे लड़के आते रहते थे, वो होटल के थे, तो मम्मी ने लड़कों को रख रखा था, उनसे बातें करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, वो सब आंटी जी बहुत मम्मी को प्यार करते थे। तो मम्मी कहती थी कि काश पूजा ने पढ़ाई पूरी की होती तो आज वो मेरे होटल मैनेजमेंट करवा देती और वो आज किसी अच्छी पोस्ट पे होती। पर ये परमपिता परमेश्वर है ना हमारा साईं, मेरी मम्मी के ना रहने पर उन्होंने उस सपने को पूरा किया और मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की और एक नाम कमाया। ठहराओ, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, बहुत आते हैं, पर ये जिंदगी जब आप बाबा के नाम कर देते हैं तो वो ठहराओ, वो पहाड़, वो आपके मंजिल में जो आते हैं वो बाबा उसको हटाते जाते हैं, जिंदगी को बढ़ाते जाते हैं। बहुत बुरे वक्त मैंने देखे और उन बुरे वक्त में मैंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा, बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, मैं लगी रही भक्ति में। मैं रात में उठती थी और बाबा का स्माइली बाबा स्वरूप को गोद में लेकर मैं रोती थी और मैं बाबा से कहती थी कि बाबा मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मुझे टॉप ऑफ द फ्लोर जाना है बाबा, मुझे नहीं पता कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं, कोई मंजिल नहीं दिख रही है बाबा, क्योंकि मेरे सारे जेवर बिक चुके थे, मम्मी का पैसा खत्म हो चुका था, अब मेरे पास कुछ नहीं था। पर दुबई में जाके मेरी नौकरी 45,000 रुपीस की मेरी जॉब लगी, 2,000 दिरहम की उस टाइम में, मुझे ऊपर से भी जो टिप्स आती थी वो भी पैसे मिल जाते थे, उससे मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा था। पर मेरा दिल नहीं लगता था दुबई में, मैं कहती थी मैं साल में 2 बार जाती हूँ दर्शन करने, मैं अपने बाबा से दूर हो रही हूँ। मैंने किसी तरह से मैं भाग आती थी यहाँ पर, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं इंडिया आ जाती थी, बाबा के दर्शन को जाती थी, मैं बाबा की वहाँ भी रोज सुबह शाम पूजा करती थी, मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बाबा जीने का सहारा थे, एक उम्मीद की किरण थे कि बाबा है कुछ करेंगे जरूर। बाबा का जो हाथ छोड़ देते हैं पर बाबा उनका हाथ नहीं छोड़ते, मैंने यही गलती की थी, मैंने बाबा का हाथ छोड़ दिया था और बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, पर हाँ सबक जरूर सिखा दिया कि मैं बाबा हूँ, परमपिता परमेश्वर तुम्हारा पिता। कैसी रही पूजा? तो मुझे समझ में आ गया कि बाबा ही करता है। फिर अब जब मैं दुबई से वापस
मेरा मन नहीं लगता था, मैं रोती थी आके मुझे नहीं जाना। 45,000 कम नहीं होते थे, पर मुझे जाना ही नहीं था। और मैं बाबा से कहती थी 29 अगस्त 2020 में बाबा ने चैनल बनवाया। बाबा ने कहा, मैं रोज पूजा करती हूँ सुबह 4 बजे, तो बाबा ने कहा चैनल बनाओ। और मेरे इंटेंशंस में, मैं सो रही थी, वही चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे ना ABCD आती थी, ना काका गागा यूट्यूब का। मुझे एक महीने पहले ललकार आई थी, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने वो ललकार डाली और मैंने कहा बाबा चैनल बना दिया। मुझे कुछ नहीं पता था चैनल के बारे में। मैंने एक हफ्ता बीत गया और मैंने अपनी बेटी को बोला, श्रद्धा को, कि मुझे एपिसोड बनाना, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ लोगों को। तो मैंने, उसने कहा कि आप शिवा चाचा को बोल दीजिए। उस समय मेरा जो देवर था वो शूट कर रहा था, मतलब अपने सॉन्ग्स के शूट कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, तो उसने भी बोला कि भाभी मेरे एग्जाम्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना बाबा। तो मैं चुप हो गई। फिर 5-6 दिन ऐसे ही गुजरे। मैंने वशु को फ़ोन किया कि वशु हम जा रहे हैं एपिसोड बनाने। तो उसने कहा कि मम्मी एक ऐसे ही एपिसोड बना के पहले चेक कर लो, आप एपिसोड बना पाओगी कि नहीं। मैंने विदाउट मेकअप घर के कपड़े में एपिसोड किया। मुझे लगा, मैंने वशु को बोला, हाँ वशु ने बोला हाँ मम्मी ठीक है ओके। मैंने फिर कपड़े चेंज किए रेड सूट पे। मेरा वो एपिसोड अभी साईं पूजा चैनल ही नहीं रहा, वो पुराना वाला, तो वरना वो पहला एपिसोड रेड सूट में था मेरे, और उस पर 50,000 व्यूज गए। और जैसे बाबा ने मुझे बोला था, बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, बाबा ने जो बोला था वो सत्य हुआ, साईं पूजा चैनल चल पड़ा। मेरी भक्ति, मेरी लगन, धूप में जाना, इंटरव्यूज लेना, बाबा का प्रचार करना तेजी से मैं कर रही थी। बाबा ने इस बीच बहुत सारे एग्जाम्स भी लिए और बाबा ने बहुत सारा प्यार भी दिया। साईं पूजा चैनल चला गया 3-4 महीनों बाद, हैक हुआ और मैं शिरडी में थी। उस समय मुझे सम्मानित कर दिया था शिरडी संस्थान में, मुझे सम्मानित किया गया है रमेश चौधरी जी, जो वहाँ के अधिकारी हैं, चीफ अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मुझे शॉल पहनाया। और मैं वो फोटो भी अभी आपको दूंगी, दिखाऊंगी, मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद वो चैनल चला गया, हैक हो गया। और ऐसा दौर आया कि जब मैंने URL पुलिस स्टेशन में दिया कि मेरा URL कोई और यूज़ कर रहा है, मेरा एक्सेस कोई और यूज़ कर रहा है, तो पुलिस वालों ने बोला कि मैंने सारा जो URL था ब्लैक एंड वाइट दिया था, अपनी फोटोज जितने भी थी सारा, उन्होंने कहा कि आप कलर में लेके आओ। और बाबा ने फिर से इंट्यूशंस दिए, नहीं सिर्फ 8 दिन। बाबा ने ऐसा बोला, सिर्फ 8 दिन दो, चैनल वापस आएगा। मैं चली आई और मुझे जो महापरायण में जब मैं जुड़ी, और मैंने ये गलती तब की जब मैंने महापरायण को ये बोल दिया था, एक महापरायण के एडमिन से, कि मैं महापरायण का ऐड नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं होता है। उस बीच चैनल चला गया और बाबा ने वो, जब मैं महापरायण से जुड़ी और मैंने पहला एपिसोड किया था, और उसके बाद चैनल चला गया। उसके बाद मुझे जब बाबा ने बोला कि नहीं 8 दिन दो आ जाएगा, तुम सिर्फ 8 दिन, मैंने विशाल जी को थाने पे पुलिस स्टेशन बोला, नहीं अब मैं URL नहीं दूंगी, मुझे चैनल को बंद नहीं करवाना है, या मुझे बाबा ने बोला 8 दिन। अमेरिका से मुझे कॉल आता है, गूगल ऑफिस से रोहित सटारिया मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या परेशानी है। मैं रोहित को नहीं जानती थी, पर पूजा गर्ग जी जो महापरायण की फाउंडर थी, उन्होंने बोला कि महापरायण का पहला एपिसोड किया है और पूजा जी का साईं पूजा चैनल चला गया। 8 दिन के अंदर, Within 8 days, साईं पूजा चैनल वापस आया और काम शुरू हुआ। फिर मैं काम करती गई, लोग मुझे पसंद करते गए, और एक वक्त आया जब मैंने महासमर्पण का एपिसोड किया,
महासमर्पण, समर्पण, डिवोशन। और उसके अगले ही दिन मुझे तीन स्ट्राइक आई, जो कि एक फेक स्ट्राइक थी, दो ना जाने किने ने दी थी, शायद मेरी गलती थी, क्लिप्स मैंने डाली होंगी कुछ, याद नहीं है। और एक फेक स्ट्राइक आई जो निशा शिव दिशानी ने चाल करके मुझे दी, वो इस वक्त इंडिया में भी नहीं है। मैंने इनके एपिसोड उनके कहने पे डाल दिए थे और उन्होंने मुझे स्ट्राइक दी। मेरा चैनल 2 सितंबर, हमारा चैनल साई पूजा चैनल, आपका चैनल 2 सितंबर 2021 को जा चुका था। मैंने हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। बाबा ने बोला था साई पूजा चैनल आगे बढ़ेगा। 4 सितंबर को मैंने रीओपन किया साई पूजा चैनल और उसमें आप सब भक्तों ने मुझे सपोर्ट किया और साई पूजा चैनल वापस आया और आज साई पूजा आपके सामने। साई पूजा एक वो नाम जिसकी कोई पहचान नहीं थी, एक वो नाम जिसका कोई मतलब नहीं था। साई पूजा, साई पूजा आप लोग सोचते हैं मेरे नाम पर चैनल है, नहीं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ साई पूजा बाबा की पूजा पर आधारित नाम था। बाबा के नाम पर मैंने रखा है, बस लकली मेरा नाम पूजा है। भक्तों, जिंदगी में हार मत मानो। साई पूजा बहुत स्ट्रगल करके बनी है। साई पूजा, आज पूजा से साई पूजा का सफर, ये सफर वो है ना जिन रिश्तेदारों ने मुझे कह दिया था कि मेरी माँ के कैंसर होने पर कि अब पूजा के हाथों में कटोरा आ जाएगा। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, जिन्होंने बचपन से मेरा हाथ पकड़ के आगे चलाना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया और उन्होंने कहा कि गीता बहन जी की डेथ हो जाने पर पूजा के हाथों में कटोरा आ जाएगा, पर आज तक वो नौबत नहीं आई है और ना वो नौबत आएगी। साई पूजा ने बहुत मेहनत की है और मैं हर साई भक्त से यही कहना चाहूंगी, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जब आप दृढ़ विश्वास अपने भगवान पे कर लेते हैं ना, दृढ़ विश्वास, तो वो भगवान आपका साथ नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से श्री साई बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। परीक्षाएं ऐसी ऐसी हुई कि मैं बता नहीं सकती। जब ऋषु पैदा हुए धैर्य साई, तो भी मेरे हालात अच्छे नहीं थे। वो बोल नहीं पाता था, उसको डॉक्टर ने बोला था कि लोगों ने बोला था कि उसको जो सूखा हो गया है, सूखा मत समझते ना, बच्चों को सूखे की बीमारी, बार बार एडमिट हो जाता था। पर श्री साई बाबा की कर्म से जब मैं शिरडी लेके गई उसको, जब वो 1.5 साल का था, 2010 की बात है ये, उस बीच बाबा के एक बार दर्शन करा चुकी थी ऋषु को और दूसरी बार जब यहाँ से जैसी ट्रेन में बैठा और उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई थी, उसको लूज मोशंस और फीवर इस तरह से हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो भी वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे। मैं बाबा के सामने रो रही थी, बाबा को ये बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा ना सांस ले पा रहा था, ना देख पा रहा था, ना बोल पा रहा था। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया शिरडी में कि मेरा बच्चा की हालत बहुत कंडीशन खराब है, उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर दी गए ना रोड क्रॉस करने के बाद, डॉक्टर दी गए वहां पर लेके गए। जब लेके गए डॉक्टर दी गए ने उसको देखा धैर्य को और बोला इसका तो खून ही नहीं है, ये बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल, बहुत नाजुक, एडमिट करना पड़ेगा।
मेरे पास 26,000 रुपीज थे जोड़ बटोर के, ज्वेलरी को बेच के, रहन रख के, जैसे भी मैं शिरडी पहुंची थी। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वहां पर जहां थी वहां पे बाबा बैठे हुए थे। ऋषु को बोल दिया था बहुत क्रिटिकल कंडीशन इस बच्चे की, पर वहां भी बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और ऋषु वहां से ठीक हुए। और वहां पे भी एक मिरेकल हुआ जो कि आप सुनिए और ताजुब रह जाएगा कि बाबा ऐसा भी करते हैं। 26,000 रुपीज मेरे बैग में थे और मैंने विशाल जी की मौसी को वो बैग दिया था जिनका नाम है शालिनी, और वो मैं तो होश में ही नहीं थी, और वो और सुमन बुआ अपने 500 रूम में थे जहाँ पे हम लोग 5 रुपए का गद्दा और लेके सोते थे, वहां पर थी वो और हम हॉस्पिटल में थे। विशाल जी भी नहीं थे, किसी काम से गए थे शायद मेडिसिन वगैरह लेने। तो वो पर्स में 26,000 रुपीज थे और वो बैग शालिनी ने रोड पे एक पेड़ के नीचे, हॉस्पिटल जो रोड चल रही है वहां पे टांग दिया। और 2 घंटे बाद जब वो मेरे पास बैठी और कंपाउंडर पैसे लेने आया या वहां का स्टाफ कोई पैसे लेने आया था कि पैसे जमा करा दीजिए, 12-15 हज़ार रुपए जमा कराने थे। तो मैंने शालिनी जी से बोला शालिनी पैसे निकाल दो। शालिनी ने देखा बैग, बैग में कुछ नहीं था, मैं सॉरी वहां बैग ही नहीं था। शालिनी को याद आया और ओ माय गॉड, हमने कहा क्या हुआ, हे साईं बाबा 2 घंटे से वो बैग बाहर टंगा हुआ है। वो भागती भागती गई, जब भाग रही थी तो मैंने टैरिस से देखा और शालिनी ने भी टैरिस से देखा, तो वो बैग पेड़ के नीचे एक मोटर बाइक पे ऐसे ही टंगा था और वहां पर एक ऑटो ड्राइवर बैठा हुआ था और वो मेरे बैग की हिफाजत कर रहा था। शालिनी भागते भागते गई, 2 घंटे बाद वो बैग उठाया और उसमें देखा पैसे, तो पूरे पैसे 26,000 थे और वो ऑटो ड्राइवर ऑटो लेके चला गया। बाबा ने ऐसे भी साथ दिया, बाबा ने तब साथ दिया जब मेरा विश्वास कैसे दृढ़ होता गया ये आप सुन रहे हैं साई पूजा चैनल पर। जिनके पास भी ऐसे अनुभव है 9918073846 पर हमें जरूर बताएं। बहुत मुझे जो मिरेकल्स याद आ रहे हैं इस वक्त आपकी भक्ति को जागृत करने के लिए वो मैं बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा आया जब मैं बरहा कॉलोनी में थी और मैं कपड़े नहा के कपड़े फैलाने के लिए बाहर आई, वहाँ बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, आज तो वहाँ मंदिर बन गया है, वहाँ पूरा पेड़ था नीम का, सदियों से वो पता नहीं कितने 100 सालों से वो पेड़ लगा था। वहाँ पर शंकर जी बैठे थे, बाबा बैठे थे, खुला मंदिर था आंगन में, मैं कपड़े फैला रही थी और कपड़े फैलाने के बस जितनी देर में मैंने यूं और यूं किया है उतनी देर में एक वो पेड़ जहाँ पे बाबा विराजमान थे वो पेड़ का इतनी मोटी शाखा गिरी, इतना तो मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा ही होगी, शाखा गिरी और जहाँ पे गिरी वो शिवलिंग टूट गया, बाबा टूट गया, पूरी फर्श नीचे हो गई और मैं मेरी बुआ जो बगल में थी वो मेरी शक्ल देख रही थी, यूं और यूं बस यूं गई और यूं आके मैंने बाल्टी रखी थी। वो शाखा तब तक बाबा रोके रहे जब तक मैं वहां से हटी नहीं, बस यूं और यूं वो शाखा गिरी। अगर वो शाखा मेरे सर पे गिर जाते तो ये सर के चिथाड़े उड़ जाते। बाबा ने मुझे वहां बचाया, वो भक्ति मेरी भक्ति बढ़ती चली गई, बाबा ने मुझे वहां अपनी चीजें दिखाई। जब मेरा चैनल चला गया और अभी दिन 8 डेज बाद आ गया, 8 डेज के अंदर आ गया, इस तरह से साई पूजा की भक्ति बढ़ती चली गई और ये भक्ति आज जुनूनियत में बदल चुकी है, जुनूनियत में। ये भक्ति मेरी, मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, जो कुछ भी हूं मैं बाबा से जुड़ने की बात बनी। वो दिन था जब मेरे पास खाने के लिए राशन भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, 100 रुपए की बिछिया भी पहनने को नहीं होती थी, मेरी बेटी को 5 रुपए की मैगी नहीं दिला सकती थी, मेरे बेटे का सूखे का इलाज भी नहीं करा सकती थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब ऋषु को मैं हॉस्पिटल से
लेके आई और आज ऋषु को धैर्य साई को आपने देखा, जो बच्चा यूं था 3 साल तक ना वो बोल पाया ना वो चल पाया, घुटनों के बल चलता था। आज वो बच्चा इतना हेल्दी है, इतना खूबसूरत मेरा बेटा है, बहुत ही बाबा के करम से हेल्दी बच्चा। अचानक से उसका सूखा रोग कहाँ गायब हो गया पता नहीं, और भक्ति मेरी इंक्रीज होती गई डे बाय डे। तो साईं पूजा का सफर ऐसा रहा। जो भक्त हार जाते हैं, हारो मत, कहाँ जाओगे हार के, कहाँ जाओगे मुझे बोलो। जो भक्त दृढ़ विश्वास आस्था के साथ श्री साईं बाबा की शरण में रहते हैं, हादसे कैसे भी क्यों ना हो, बुरा वक्त कैसा भी आया हो, पर बाबा आपको गिरने नहीं देते, बाबा हमेशा आपको संभाले रहते। भक्तों, अब आज 2022 आ चुका है और सिचुएशन फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 18 फरवरी को विशाल जी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया बिकॉज ऑफ जॉइंटिस, और बाबा 19 तारीख को यहाँ पर आ चुके थे और बाबा ने फिर से प्रमाण दिया कि मैं हूं, चिंता मत करो। विशाल जी 10 दिन एडमिट रहे, हर दिन 10-12 हजार के उनको दवाइयां चढ़ती थी और मैं उनको रोज उदी पिलाती थी। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक उनके पास ही रहती थी, उनको दवाई खिलाना, बाबा का स्नान जल देना, और बाबा को वहां मैंने स्वयं बैठा रखा था विशाल जी के पास। और विशाल जी खतरे से बाहर आए और डॉक्टर ने क्या बोला आपको बताओ? डॉक्टर ने बोला, मैं खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, साईं को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, विशाल जी आपकी जान बच गई है, अदरवाइज आपकी जान चली जाती। बाबा ने तब भी मेरा विश्वास बना के रखा और मैं दृढ़ विश्वास के साथ अटल रही, जुड़ी रही, हिम्मत नहीं हारी। उस बीच भी मैं अन्नदान कर रही थी, उस बीच भी मैं मेरे चेहरे पे मैं लाइव आ रही थी, आप लोगों को दर्शन करा रही थी, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर जानता है कि आप उसके अधीन हो, आप उसके चरणों में बैठे हो और आप उस पर विश्वास कर रहे हो, तो वो अपना विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं। विशाल जी आज ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। श्रद्धा भी 2 महीने पहले एडमिट हुई और मैं शिरडी में थी और शिरडी से जब आ रही थी तब उसने मुझे नहीं बताया कि वह एडमिट है। उनके 9 ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ी और बाबा की करम से मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल ठीक है। साईं पूजा का सफर बहुत कठिनाइयों से गुजरा है, पर यह साईं पूजा अटल रही, अपने विश्वास के साथ अपने बाबा से जुड़ी रही। ये श्री साईं, क्या समझते हो आप बाबा को? बाबा आपको देख नहीं रहे? बाबा आपको सुन नहीं रहे? नहीं, बाबा आपको देख भी रहे हैं और बाबा आपके सर्व का इम्तिहान भी ले रहे हैं। बहुत कठिनाइयां आती हैं, बाबा को कोई ऐसे नहीं पा सकता। ये साईं चरण कभी मत छोड़ो, चाहे कितने भी दुख आ जाए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जो दुख में साथ दे वो आपका अपना। आप किसी से कटु वाक्य मत बोलो, आप किसी को नीचा मत दिखाओ, आप किसी से 420 मत करो, आप किसी से झूठ मत बोलो, आप किसी की निंदा मत करो, आप भलाई में आप काम करो, भलाई लोगों के साथ करो, वो भलाई आपके कर्मों को उजागर करेगी। साईं पूजा का स्ट्रगल आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, धूप में निकलती हूँ, लोगों तक खाना पहुँचाती हूँ, लोगों तक सेवा देती हूँ, आप लोगों के सहयोग से होता है, बाबा की कृपा से होता है, पर ये जो धूप सहती हूँ ना, ये पूजा सहती है। आप लोग पैसे दे देते हो, वो उसको मैनेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है,
मेरी जो भी पेमेंट आती है वो भी मैं बाबा में लगा देती हूँ। श्री साईं बाबा सब जानते हैं मैं कैसे किसके साथ क्या कर रही हूँ। ये धूप में जब सर जलता है ना तो ऐसे ऐसे सर होता है, जब ठंड में निकलती हूँ तो रूह कांप जाती है, मैं हिम्मत नहीं हारती। साईं पूजा ऐसे साईं पूजा नहीं बनी, साईं पूजा को बदला है स्वयं साईं ने, मेरा स्वभाव को बदला है साईं ने, मुझे बदला है साईं ने। आज मेरा कोई मुझे गलत भी बोलता है ना, मैं उसके आगे भी कहती हूँ भला होगा आपका, अच्छा हो, ब्लेस यू। मेरे साथ क्या लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग मेरी पीठ में छुरी भोंक के भी चले जाते हैं और चले गए हैं, पर बाबा ने उनको दिखा दिया है कि मैं हूं। और जो आपकी परवाह नहीं करते आप उनके पीछे भी मत मांगो, उनका आदर करो, वो जहां भी रहे उनके सुख दुख की कामना करो, किसी के पीछे मत भागो। भागना है तो श्री साईं बाबा के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी, याद रखना ये साईं पूजा का वादा है आपसे। तकलीफें आएंगी, आप बहुत पथरीले रास्ते से आपको चलना पड़ेगा, पर यकीन मानो भक्तों दोस्तों, जब आप उस आग के दरिया पे चलोगे ना जहां पे कठिनाई है, तो आपको सुख का जब सुख आएगा ना तो उसका अनुभव बहुत अच्छा लगेगा कि अरे दुख से अब हम सुख में आ गए। साईं पूजा का सफर बहुत टिपिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, पर हाँ आज मैं साईं पूजा जब मैं शेडे में खड़ी होती हूँ ना, जब लोग आके हाथ जोड़ते हैं, जब मान मिलता है, जब सम्मान मिलता है, वो मैं जितना स्ट्रगल करके आई हूँ ना मैं भूल जाती हूँ। आप लोगों के सामने साईं स्माइली बाबा के लोग दर्शन करने आते हैं, लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, लोग कितना कितना चांदी की कोई थाल चढ़ा रहा है, कोई हार चढ़ा रहा है, कोई एक रुपया भी दे रहा है वो भी मेरे लिए प्रसाद है, कोई माला भेज रहा है, कोई कपड़े भेज रहा है, कोई दिया बत्ती भेज रहा है, कोई अगरबत्ती भेज रहा है, कोई शहद भेज रहा है, ऐसे कितना प्रेम मिलता है ना, वो स्ट्रगल मैं भूल जाती हूँ। जो कि मेरे पास 100 रुपये जब नहीं था ना, तो जब मेरे पास खाने को भी नहीं था, तो वो स्ट्रगल मैं भूल जाती हूँ। जो आज मुझे सुख मिला वो दुख मैं कहीं ना कहीं भूल जाती हूँ कि बाबा ने मुझे कितना सौभाग्य दिया है। शिरडी के अंदर लोग हाथ जोड़ते हैं, मुझे गले से लगा देते हैं, ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? इस ऐसा सौभाग्य उनको मिलता है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो बाबा मैं होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चेतते। किसी का बुरा मत चेतो, अगर आपके कोई बड़ा आपको कोई डांट रहा है तो उनका भी आदर करो, कटु वाक्य मत बोलो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है एक झूठ अगर किसी को जिंदगी देता है वो 100 सच के बराबर होता है, अगर एक सच किसी को रुला दे, किसी की आत्मा को दुखा दे, वो 1000 झूठ के बराबर होता है। बाबा कहते हैं हर अच्छे काम में मैं वास कर रहा हूं, तुम अच्छे काम करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ बाबा जरूर साथ देते हैं, क्योंकि बाबा निर्मल कोमल है, वो आपको स्कैन कर लेते हैं, आपके मन की हर भावनाओं को जानते हैं। इसलिए साईं पूजा आज पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूजा से साईं पूजा का सफर लेके आई, और ये सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेइंतहा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये दास्तां मेरी जुड़ी थी 2007 से, और उससे पहले से जब मेरे पास ढंग के कपड़े और खाने को भी नहीं होता था। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से पूजा साईं पूजा बनी। ये साईं पूजा जब मैंने वर्ड आगे जोड़ा था साईं का, तो वो 2011 का समय था जब मैंने बाबा का नाम आगे लगाया था, और बाबा ने इस नाम की इज्जत रखी, साईं का नाम अपने साथ रखा, मेरे नाम के साथ जोड़ा, और बाबा ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी क्योंकि मेरे साथ साईं खड़ा है। उन मुश्किलों से कह दो मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है, मुश्किलों से भागो मत, वो मुश्किलों से कह दो कि मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है, हमें हारने नहीं देगा, कितना रुलाओगे कितना तड़पाओगे, तुम उन मुश्किलों से कह दो कि ये मुश्किलें बस अब थम जाओ,
मेरे साथ मेरा बाबा खड़ा है। तो कैसा लगा साईं पूजा का एक्सपीरियंस, पूजा से साईं पूजा बनने का सफर बाबा के साथ? साईं पूजा आज आपकी बदौलत है, साईं पूजा आज बाबा की बदौलत है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस तरह से आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ूं बिना आप लोगों के आशीर्वाद के। साईं पूजा का कोई वजूद नहीं है। मुझे प्यार दो और मुझे सम्मान दो कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे मोटिवेट करो। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है ना, 9918073846 पर हमें जरूर बताएं, 9918073846 पर हमें जरूर बताएं। और एक भजन के साथ, एक सुंदर से भजन के साथ मैं समापन करूंगी। सब मिलके मेरे साथ बोले, बोलो साई राम साई राम, जय जय साई राम साई राम, बोलो साई राम साई राम, जय जय साई राम साई राम, बोलो साई राम साई राम, जय जय साई राम साई राम। हे श्री साई, जिस प्रकार से आपने मेरे ऊपर कृपा की है, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो भक्त आपको देख रहे हैं, वो आप उन पर दया दृष्टि बना के रखना और सबका कल्याण करना। सबका मालिक एक है। ओम साई राम, जय साई राम।